बहुत ही अच्छी ब्रांड है ये, और ये मैंने ये वाली सैंडल मंगाई थी, पर अफसोस मुझे इसे ना रिटर्न करना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। अलहमदिल्ला हम लोग भी अच्छे हैं। और हो रहा अभी सुबह का वक्त 5:30 बज रहे हैं, और मैं सुबह सुबह आज उठ गई हूँ। डेली तो सुबह उठ ही जाते हैं, लेकिन आज थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ, 5:30 बजे उठे। पहले तो ऐसे 5:45 बजे उठती हूँ, और 5:30 बजे तक मैं फ्रेश हो गई हूँ। और देखिए सुबह का मौसम कितना प्यारा है, रात भर बारिश हुई है तो और भी मौसम प्यारा हो गया है। ये डेंजर छिपी हुई है, मतलब गाड़ी है, और थोड़ा देर खड़ी हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। ऑफिस जाने वाले लोग सब जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट है, वो जा रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा, इंशाल्लाह कितना अच्छा, मतलब हरियाली लग रही है। बारिश के मौसम में ना सारे पेड़ पौधे के पत्ते ना एकदम हरा हो जाता है, बारिश से सब धुल के सब क्लीन दिखने लगता है, साफ साफ, क्योंकि बहुत दिन से गंदगी जमी रहती है पत्तों पे ना, तो हरा दिखने लगता है। और नीचे भी घास की कटाई चल रही है, एक साइड से कट चुका है और हमारी साइड से भी कटा नहीं है। हम बोले तो आज इस सेट कटेगा, उस सेट का कम्प्लीट हो गया। और हद अभी सो रहा है, थोड़ी देर में मैं उसे उठाऊँगी, 6:30 बजे तक उसे उठाऊँगी। खिड़की बंद कर देती हूँ, वरना ये छिपकली अंदर चली जाएगी रूम में, फिर निकलती नहीं है। ये लोग अंदर जाने के बाद बहुत परेशानी होता है लोगों को निकालने में, और डर भी तो लगता है, बहुत बड़ी भी है। मेरी आवाज़ अजीब से बैठी बैठी सी लग रही है, क्योंकि मैं सुबह सो उठने के बाद तो आवाज़ दबी दबी लगती ही है। कल मैं थेरेपी में भी नहीं गई थी, ऑफिस के लिए निकल गए सब चार अपने अपने ऑफिस के लिए। और पैर में काफ़ी दर्द था, क्रैप बैंडेज बांधे हुए थे, और आज डॉक्टर का नंबर लगा हुआ है। देखते कब का नंबर लगा, मिस्टर खान बोले थे मैं डॉक्टर का नंबर लगा दिया हूँ, और पता नहीं कितने बजे की है, तो आज शाम में भी थेरेपी के लिए जाना ही हो सकता, उसी वक्त लगाए होंगे। रात का स्कूल का जाने का भी वक्त हो जाएगा, थोड़ी देर में मैं चलूँगी, हाथ को रेडी करूँगी, तब तो थोड़ी देर आप बाहर का मौसम देखिए। और यहाँ बेटू निन्नी कर रहा है, माशाल्लाह मेरा बच्चा, और निन्नी कर रहा है, मैं चलूँ तब तक इसे भी सोने देते हैं। और देखिए एसी में भी ये बनियान पहन के सोता है, इसको तो ठंडा ही नहीं लगता है। और रात में जितने भी मशीन में कपड़े मैंने धोए ना, सोच रही हूँ अभी निकाल के बाहर डाल देती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास 15-20 मिनट, तो मैं तब तक कपड़े डाल लेती हूँ। फिर सोच रही हूँ थोड़े बहुत और कपड़े होंगे तो मैं दोपहर तक लगाऊंगी, या फिर मैं कल लगाऊंगी। तो मैं चलती हूँ जल्दी से इन लोगों को निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और ये देखिए मैंने एक पार्सल मंगाया था, और ये पार्सल मुझे कल रिसीव हुआ था, और मैंने इसे खोल के चेक कर लिया, और जब अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसमें मैंने अपने लिए एक सैंडल मंगाया था जो मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट, आप तो देख के जान गए होंगे कि मैंने कहाँ से मंगाया था। और इसमें मैंने सैंडल मंगाया था, और मेट्रो का मंगाया था मैंने, काफ़ी अच्छी ब्रांड है ये। और ये मैंने ये वाली सैंडल मंगाई थी, पर अफसोस मुझे इसे ना रिटर्न करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है ना, ये स्लीपर मतलब ये सैंडल जो है ना एक साइज़ में बड़ा आ गया है। मैंने छोटा साइज़ में मंगाया था, 7 नंबर मंगाया था, पर उन्होंने 8 नंबर दे दिया और साइज़ बड़ा हो गया, इसकी वजह से मुझे वापस करना पड़ रहा है। और उन लोगों के पास छोटा साइज़ है भी नहीं, कि मैं फिर से इसे ऑर्डर कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसे रिटर्न कर दिया है। और आज पार्सल वाले भैया आएंगे और पार्सल से लेके चले जाएंगे, और फिर मैं देखती हूँ अगर साइज में आया तो मैं फिर से इसे मंगाऊंगी। अफसोस कि शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, और मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरा कोई सैंडल ऑर्डर करूँगी। और अभी हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, और आहत को भी ट्यूशन छोड़ देंगे। देखिए आहत का चेहरा कैसा उतरा हुआ लग रहा है, आहत सोया हुआ था, और जिस वक्त हम लोग को जाना था 4 बजे ही आहत सो गया था, तो अभी हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं,
बहुत उठ गया था तो कह के अभी हाथ को ट्यूशन छोड़ देंगे, थोड़ी देर ही पढ़ ले, आधा घंटा एक घंटा ही पढ़ाई कर ले आज, पर एबसेंट नहीं होना चाहिए। तो हाथ को हम लोग ट्यूशन छोड़ते हुए फिर हॉस्पिटल तक जाते हैं। और आज तो हम दोनों का है अभी एक्सरसाइज करना है। आज ऐसे उदास मत होइए ना बेटा, स्माइल करिए, ठीक है। और नींद में लग रहा है, अपनी में है ना हर। अभी अद्दू देख जा रहा, देखिए चेंज हो गया है। उसका रीजन ये है कि हम लोग ट्यूशन के पास पहुँचे। अरे अरे कैसा फेस बना रहे हो हर। तो मैम ने कहा कि आज हॉलीडे है, मैसेज नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो गया था, तो कहें कि आप लोग आएंगे तो बता देंगे, आज हॉलीडे है। तो आज आहत भी हम लोग के साथ हॉस्पिटल जा रहा है और आहत का चेहरा चेंज हो गया है। तब तो ऐसा सैड फेस बनाया हुआ था आहत, और अभी तो आहत का यहाँ से भी अच्छा, यहाँ से भी बैनर कर ले जाते हैं। गाँव गाँव नहीं है बेटा, सच्ची का गाँव है, सच्ची वो बस्ती होगा बेटा, गाँव। हाँ वहीं पर गाँव है। तो वहाँ से कौन जाता है गाँव से? वहीं से ले जाता है। और अभी हम लोग आ गए हैं घर हॉस्पिटल से थेरेपी के बाद। और आप लोग को पता ही था कि मेरा जो पैर में मूछ आया हुआ था उसके लिए मैंने डॉक्टर का नंबर लगा हुआ था, तो हमने डॉक्टर को दिखा लिया। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो उनका मेडिसिन दिया है और क्रैप बैंडेज बोला है कि क्रैप बैंडेज बांध के रहिए। और उन्होंने एक्सरे भी लिखा हुआ है, बोला कल एक्सरे कराने के लिए, क्योंकि उन डॉक्टर ने बताया कि आपका लिगामेंट हो सकता है डैमेज हो गया है, इसकी वजह से आप पहले कल एक्सरे करा लीजिए। और एक्सरे कराने के बाद हो सकता है तो कल प्लास्टर भी हो सकता है पैर मेरा उतने दूर। तो बोले कि आज भर आप रात भर इतना ये क्रैप बैंडेज बांध के देखिए, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो कल आप आइए एक्सरे कराए। एक्सरे वैसे भी कराना है, बोलेंगे एक्सरे करा के ही आपको आना है कल। तो फिर हम लोगों को कल एक्सरे कराने भी जाना है। और कंधे का जो मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना उसका, उसमें वो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है और वो 5 दिनों का है, कंटिन्यू 5 दिन कराना है। तो आज तो अभी सेकेंड डेज ही हुआ है, सेकेंड डे हुआ है। और उसमें उस अल्ट्रासाउंड में ये है कि मेरी मांसपेशियाँ जो चिपक गई है आपस में, जो गांठ बन गई है या तो स्वेलिंग आ गई है, तो उसको ढीला करने के लिए हो रहा है वो, डॉक्टर ने बताया। इसलिए वो पूछ भी रहे थे कि आपको थोड़ा बहुत आराम मिला है कि नहीं, तो थोड़ा सा आराम हुआ था कल से, क्योंकि वो हुआ था तो वो आधे घंटे का प्रोसेस पूरा चलता है होता है और बहुत रिलीफ मिलता है उससे। गर्म, एक तरह से गर्म सिकाई हो रही है अल्ट्रासाउंड में, उसमें जेलो लगा के जो होता है। और उसके बाद वो बोले हैं कि आपको देख लेंगे, उसके बाद फिर से आपका एक्सरे कराएंगे, कंधे का भी एक्सरे होगा। उसके बाद बोले जब कंधे का एक्सरे करा के हम लोग देख लेंगे कि क्या उसका स्थिति है कंधे का, तो उसके बाद हम आपको उस हिसाब से थेरेपी बताएंगे कि आपके कंधे पे ज़्यादा जोर ना पड़े और थेरेपी उतना हैवी ना हो। तो इसलिए नॉर्मल थेरेपी बताना होगा तो वो बताएंगे, या ज़्यादा ताकतवर ताकत लगा करने वाला थेरेपी होगा तो वो बताएंगे। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरा चेहरा कैसा एकदम उतर गया है, दर्द कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, दर्द से एकदम दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने भी कहा था कि तब तक आप गर्म पानी में भी पैर एक दो बार सेकिए, ज़्यादा दर्द पेन हो रहा है तो अभी तो सेकने के बाद स्प्रे लगाए। उसके बाद ये देखिए क्रैप बैंडेज बांध के दिए पैर में, और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी बुरी हाल हो गई है कि मैं अब वॉकर से चल रही हूँ, और क्या ही बताऊँ मैं अब। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए मेरे वीडियो को, और कमेंट्स भी करिएगा कि कौन कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो को। प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।